सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार गाड़ी दिखा रहा हूँ जो कि हमारे सामने खड़ी है। तो आज इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। आपने देखा है अभी इस मार्केट के अंदर यूजली जो है मिड साइज एसयूवी का ज़माना चल रहा है, बट फाइनली अभी स्कॉडा ने आपको एक ऐसी गाड़ी दे दी है जो कि आपको हेड टर्नर और बहुत ही बड़े सेडान लुक के अंदर गाड़ी आ गई है। सो ये गाड़ी है गाइस आपकी स्कॉडा स्लेविया एम्बिशन 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है स्लेविया लाइन के अंदर। इस गाड़ी की गाइस एक्स शोरूम वैल्यू 12,40,000 रुपये, जो कि 14,10,000 आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। सो आज इसकी इंटीरियर एक्सचेंज में दिखाता हूं आपको क्या कुछ इस गाड़ी में ऑफर हो रखा है। सो गाइस सामने से एक लुक देख लीजिए, और ये गाड़ी गाइस फीचर लोडेड है और इसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। जहां पे सामने से बात करूँ तो गाइस स्कॉडा की ग्रिल आपको दे रखी है, यहाँ पे क्रोम का काफ़ी सारा यूज़ है, स्कॉडा का आपको लोगो ऊपर आपको दे रखा है जो कि बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन एलिमेंट के साथ आ रहा है यहाँ पे। और हेडलैम्प पे गाइस बहुत ही बढ़िया हाई बीम और लो बीम के लिए आपको हैलोजन दे रखा है। यहाँ पे एलईडी आपको नहीं मिलने वाले, बट आपको एलईडी रियल आपको जरूर वहाँ पे दे रखा है। सो काफ़ी बढ़िया लुक है गाइस, बहुत ही बढ़िया सोफिस्टिकेटेड लग रही है, पुरानी वाली रैपिड से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। और नीचे गाइस फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे जो कि हेलोजन के अंदर है, और यहाँ पे क्रोम का काफी सारा पार्ट है। सो फ्रंट लुक में गाइस काफी बढ़िया नंबर प्लेट की स्पेसिंग, और गाड़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है सामने से, जहाँ पे वाइट ग्लास एरिया है और काफ़ी बढ़िया वाइपर के फिक्चर्स हैं। थोड़ी सी गाड़ी अभी गंदी है गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा डस्ट पे लग गया है, बाकी गाड़ी बहुत शानदार है। साइड में गाइस एम्बिशन वेरिएंट से आपको एलो व्हील मिलने लगा था जो कि सिल्वर फिनिश के अंदर है, जिसकी टायर साइज प्रोफाइल्स की R16 205/55 की, जो कि बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। और मैकपर्सन स्ट्रट आपको यहाँ मिलने वाला है, स्कॉडा का लोगो आपको दे रखा है साइड में फेंडर पे, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओवरवे पे टर्निकेटर है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद अ क्रोम है। डिज़ाइन एलिमेंट्स गाइस ये टेक्सचर्स आप देख सकते हैं, शोल्डर लाइन के ऊपर बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और नीचे भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है। ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी बेटर कर दी गई रैपिड के कंपेरिजन में, और टायर गाइस गाड़ी का काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ से थोड़ा सा रियर से लेकर चलता हूँ क्या कुछ मिल रहा है आपको एम्बिशन वेरिएंट के अंदर। तो सो गाइस ये आपकी रियर लुक स्कॉडा स्लेविया एम्बिशन की, जहाँ पे गाइस आपको टेल लैंप एलईडीज के अंदर मिलते हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। बीच में स्कॉडा का लोगो इंक्रिप्शन काफी बढ़िया दे रखी है, स्लेविया की आपकी बैजिंग यहाँ पे दे रखी है। गाड़ी काफी बढ़िया गाइस, रियर पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स आपको दे रखे, और रियर पार्किंग कैमरा भी आपको दे रखे। तो गाइस गाड़ी एम्बिशन पैकेज देखते हैं बंदा, 14 लाख रुपए में गाइस ऐसी गाड़ी मिलना है जिसमें सारे फीचर मिल जाए, तो गाइस ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है इस लुक से आप देख सकते हैं। सो स्लेविया गाइस कंप्लीट कार है, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ गाइस कि आपको एम्बिशन वेरिएंट पे जाना चाहिए, जहाँ पे डिफॉगर आपको मिलते हैं, हाई स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर दे रखा है, और गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। जहाँ पे एक बारी बूट को ओपन करते हैं, सो सिंगल क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ बूट आपको मिलता है जो कि 60-40 स्प्लिट फंक्शन में आपको मिलता है, और बहुत वाइड बूट है गाइस, मतलब रैपिड से भी ज़्यादा बड़ा है मुझे लग रहा है। मैं अभी रैपिड ऑन करूँ तो बहुत बढ़िया स्पेस की लग रही है। साइड में भी बहुत सारा स्पेस आपको पॉकेट्स में दे रखा है। जहाँ पे अगर कार्डबोर्ड के अंदर नीचे देखूँ तो मैं यहाँ पे स्टेपनी भी आपको सेम साइज़ की दे रखी है। तो स्टेपनी के साइज की मैंने बात करूँ, R15 की स्टेपनी आपको मिलती है 195/65, और प्राइमरी टूल किट आपको नीचे ही दे रखी है, पॉकेट में बहुत सारा स्पेस है, और आप रियर सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे कवरिंग बहुत ही प्रॉपर है। बाकी मिडिल रो सीटिंग से बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पे दे रखा है आपको। सो मिडिल रो सीटिंग वाइज आपको ब्लैक फैब्रिक यहाँ पे मिलता है एम्बिशन के अंदर, इससे टॉपर इससे ऊपर वाले वेरिएंट जो स्टाइल वेरिएंट उसके अंदर आपको लेदर भी मिल जाता है, यहाँ पे ब्लैक ही दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है। बीच में आपको आर्म रेस्ट दे रखा है जिसको आप निकाल सकते हैं, बाकी हेडरेस्ट भी आपके एडजस्टेबल है, और गाड़ी बहुत ही स्पेशल लग रही है। कैबिन लैंप आपको व्हाइट एलईडीज के अंदर रखे हैं, वहाँ पे ग्रैब होल्डर विद अ कोट हुक है। बीच में एसी वेंट्स आपको रखे हैं जो कि 2 टाइप सी चार्जिंग साथ आ रही है। लेग रूम बहुत शानदार, आप देखते हैं ड्राइवर साइड थोड़ा सा आगे कर रखे तो इस लेग रूम बहुत शानदार निकल के आ रहा है। डोर्स पे गाइस व्हाइट एंड ब्लैक का थीम है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, 4 स्पीकर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे, तो ये बहुत बढ़िया है। मेरे के कंट्रोल सब तरह बोटोट का स्पेस है, बहुत सारा पॉकेट में स्पेस यहाँ दे रखे हैं। सो इस गाड़ी देखते ही बनती है, और को पैसेंजर एरिया देखते हैं। अभी आपको पैसिव एंट्री दी गई है को पैसेंजर में, यहाँ पे आपकी अगेन सेम डोर है, ग्लॉसी ब्लैक यूज़ कर रखा है, स्पीकर आपको दे रखा है, मेरे कंट्रोल्स हैं, डिफरेंट टाइप टेक्सचर्स यूज़ करके यहाँ पे हार्ड में मिलता है, गोल्ड फिनिश आपको दे रखी है, ग्लॉसी ब्लैक दे रखा है, और ये बेज का थीम आपको दे रखा है, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी लग रही है। स्टोरेज बे में भी काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे एसी की कूलिंग दे रखे, तो गाइस आप छोटा मोटा सामान रखते हैं इसको कूल भी यहाँ से रख सकते हैं क्योंकि समर्स का टाइम चल रहा है। यहाँ पे आर्मरेस्ट में गाइस आपको ब्लैक की थीम ही दे रखी है, इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है गाइस, ये गाड़ी आपके अंदर से लग रही है। तो इस काफ़ी शानदार गाड़ी है, और यहाँ पे उसकी 6 स्पीड का गियरबॉक्स है जो कि 1 लीटर इंजन के साथ है, जिसकी पावर 114 bhp 175 का टॉर्क है। तो इस इंजन तो रैपिड वाला बिल्कुल सेम टेस्ट मिलता है, बट जो इंटीरियर और एक्सटीरियर गाड़ी बिल्कुल ही न्यू लुक के अंदर आ गई है। सो ये है गाइस आपकी ड्राइवर्स डोर, और यहाँ पे आपको अगेन ब्लैक एंड बेज का थीम है, जो कि स्पीकर की माउंटिंग है, बटोर का स्पेस, ऑल 4 पावर विंडोज विद ओआरवी एडजस्टर, ओपन क्लोज का फंक्शन भी है मेरे लॉक के लिए, ग्लॉसी ब्लैक ऐसे लोग फिनिश दे रखे हैं, और गाइस सेंसर्स VW कार्स में हमेशा रहते हैं, स्कॉडा कार्स में भी रहते हैं। बाकी ब्लैक फैब्रिक के अंदर आपकी सीटिंग है, हाइड्रेज का फंक्शन आपको दे रखे हैं, ऐसे करके आप हाइड्रेस कर सकते हैं। बाकी बहुत ही बोस्टर सीट है, बहुत ही अच्छा आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाली गाड़ी, जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको गाड़ी के अंदर दे रखा है,
सो ये गाइस आपके इंटीरियर ड्राइवर साइड से, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी लग रहे हैं, जहाँ पे ग्लॉसी गोल्ड फिनिश हेडलैम्प के कंट्रोल्स आपको यहाँ दे रखे हैं, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं लाइक जर्मन कार। और यहाँ पे हेडलैम्प लेवल के कंट्रोल्स भी है, जहाँ पे बहुत सारे स्पेस आपको यहाँ भी देगा, छोटा मोटा सोचा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। सो काफ़ी बढ़िया गाइस, यहाँ पे आपको थीम कंटिन्यू कर रखी है ग्लॉसी के अंदर, स्कोडा का बैजिंग आपको यहाँ भी दे रखा है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी बढ़िया। इस गाड़ी को एक बार ओपन करते हैं। सो यहाँ पे क्लिक कीजिए कि आपके पास होना चाहिए, तो मैनुअल गाड़ी तो कहते हैं आपको क्लच दबा के रखना पड़ेगा। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ग्लो तो बहुत बढ़िया, स्कोडा का लोगो है, सेफ मोड आपको यहाँ पे आ जाता है, इसको आप ऑब्वियसली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और एसी एकदम से गाड़ी का बहुत ही तेज हो गया है, सो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। और थीम्स काफ़ी बढ़िया लग रही है एसी के अंदर भी। सो ये गाइस आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एम्बिशन का, स्पीडोमीटर टैकोमीटर मैनुअल है, वाइट थीम के अंदर है, बहुत सारे फीचर आपको अंदर भी दे रखी है इस गाड़ी के अंदर। आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है गाइस, तो देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प रिटर्न कंट्रोल, जहाँ पे आपको क्रूज के कंट्रोल आपको अंदर के रीसेट सेट का फंक्शन आपको मिल जाता है, तो क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर है। और यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल आपको दे रखे हैं, तो टॉगल टाइप फीचर बहुत ही बढ़िया है। अच्छा एक चीज़ अच्छी है कि एम्बिशन से ही आपको लेदर अप स्टीयरिंग व्हील मिलने लगता है, तो ये बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। और एक गाइस आपका स्क्रीन एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले भी आपको मिल जाता है, तो ये काफी बढ़िया। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन है, सेटिंग्स का बटन है, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव स्क्रीन है जो कहती है, 6 स्पीकर के साथ गाइस काफी बढ़िया है। आपको ट्विटर्स भी मिल जाएंगे, 4 स्पीकर आपको मिलने वाले हैं, तो इस गाड़ी काफी बढ़िया। टॉप वाला पार्ट सर आपका हार्ड के अंदर रखा गया, बहुत सारा स्पेस आपको यहाँ दे रखा है, तो इस गाड़ी देखती मंजूर। यहाँ पे छोटा सा आपको टिकट होल्डर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो गाइस काफी बढ़िया। ये आपने एसी यूनिट देखा, आपने कुशाक के अंदर भी देखा, वो यहाँ पे कंट्रोल रखे, यही डिस्प्ले आपको कुशाक के अंदर भी, तो वही यहाँ पे कंट्रोल, बट जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेडान लुक में आ गया। सनग्लास होल्डर आपको बीच में दे रखा है, और वाइजर्स पे ग्लास है, और आई थिंक आपको यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया होगा। सो काफी बढ़िया, आई रैम आपके सिंपल है, और आपके केबिन लैंप आपको व्हाइट एलईडी के अंदर मिल जाता है, तो बहुत ही लग्जरी टच आपको गाड़ी के अंदर मिल रहा है। और ये जो प्लेसिंग इसकी करी गई, तो बस बहुत स्ट्रॉन्ग सी, बहुत ही प्रीमियम से लुक देखी जा रही है। एसी वेंट्स आपको ब्लैक में है, सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है, रिलेटेड फोन रिलेटेड कंट्रोल्स, और इसका आउटपुट है वो बहुत बढ़िया, तो वायरलेस कारप्ले को एंजॉय कीजिए। बाकी स्टीयरिंग आपका अगर मैं यहां से एडजस्ट करूं, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपी दोनों ही आपको मिलेगा, तो ये बहुत बढ़िया, इसको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। और यहां पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सेट करना है, तो वो सारे कंट्रोल हम यहां एक्सेस कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करेंगे तो यहां से चेंज होता रहेगा। सो यहां पे क्लिक कीजिए, टाइम, वो सारी चीज़ यहाँ पे एडजस्ट होती रहती है। भाई गाड़ी बहुत बढ़िया, बहुत सारा स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर कर रखा है। 2 टाइप्स की चार्जिंग आपको आगे मिलती है, पीछे मिल रही है। ऑटो ऑन ऑफ का बटन, लॉक का बटन यहाँ पे दे रखा है, और 12V का सॉकेट पे 2 कपी होल्डर्स, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस आपको यहाँ भी दे रखा है। और गाइस गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको साइड में डोर्स में आपको ऐसा टच देखा, जहाँ पे ग्रिप आपको प्रोवाइड करके यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान अटका सकते हैं, तो गाइस थॉटफुल चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है स्कोडा। और गाइस जब भी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो बहुत गाड़ी कूल हो चुकी है, तो बहुत अच्छा पैकेज है। थोड़ा सा बाहर से बात करते, इसका इंजन आपको दिखाता हूँ। सो ये ऐसा नजर आता है आपका 1 लीटर TSI इंजन, 114 bhp इसकी पावर है, बहुत ही अच्छा इंजन है। मैं रैपिड में यूज कर रहा था, मुझे पता है इंसुलेशन शीट आपको यहाँ दे रखी है। बाकी 3 सिलेंडर 1 लीटर TSI 114/175 बैटरी फिक्चर्स, पैकेजिंग पेट्रोल इंजन की बहुत ही बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पंची इंजन होता है स्कोडा का। सो ये गाइस थर्ड नॉइस, और इससे पता लगती है गाड़ी की सेफ्टी क्या चीज़ है। स्कोडा की सारी गाड़ियाँ गाइस सुपर बिल्ट होती है, सो 14 लाख में गाइस बहुत बढ़िया गाड़ी बनती है। बहुत सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। एम्बिशन वेरिएंट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। कैसे लगी आप मुझे ये वीडियो जरूर बताना, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा, कुछ जाना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरी तरफ से आज के लिए इतना गाइस, थैंक यू सो मच।